अब चलो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टार बोर्ड फार्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आज का जो वीडियो है हमारे एड्रेस को लेकर है, लोगों को लोकेशन मालूम नहीं पड़ रहा है, लोग पहुंच नहीं पा रहे और हमारा कॉल भी इस टाइम पे हम लोग रिसीव नहीं कर रहे, लग रहा नहीं है, तो आज ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो आप देखेंगे जो मुमरा बाईपास से आते हैं तो ये टोल पड़ता है जो पहाड़ वाला रास्ता है, जिससे बम्बई से जब कोई आता है तो पहाड़ वाला रास्ता, उसमें एक छोटा टोल एंड में आता है। ये आप देख सकते हैं व्यू, मैं वही व्यू बता रहा हूँ आपको। तो ये पूरा सीधा एरिया आ रहा है, ये आप देखेंगे आजू बाजू में। मैं एक्चुअली ये पूरा व्यू इसलिए बता रहा हूँ आपको, रास्ता आसान हो जाए, आप हमारे फार्म तक आसानी से पहुँच जाए, किसी को आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़े और हमारा कॉल इन केस नहीं लगता है तो आप खैर ऑफिस से हमारे फार्म पे आ जाए और आपकी कुर्बानी के बकरे हमसे परचेज़ करें, क्योंकि काफ़ी शिकायत आ रही है कि मेरा कॉल नहीं लग रहा है। ये नूरी बेला विस्ता है, रास्ते में है। आपको ये लोकेशन और लैंडमार्क मैं आपको सब बताऊंगा इस वीडियो में इंशाल्लाह, तो जिससे आप हमारे फॉर्म पे आसानी से पहुँचेंगे। आजू बाजू की बिल्डिंगें थोड़ी सी दिखा रहा हूँ, जब लोग कार से या बाइक से बॉम्बे साइड से कहीं से आते हैं तो ऐसे छोटे छोटे लोकेशन, हमारी लास्ट ईयर की भी एक वीडियो थी जिसमें काफ़ी लोगों को बहुत हेल्प हुआ था। आप ये देखेंगे ये हमारा बाईपास का चौराहा आ गया, जो बाईपास ख़त्म होता है वहाँ से राइट लेना है हमें, लेफ़्ट लेंगे तो हम मुमरा सिटी के अंदर चले जाएंगे, हमें मुमरा सिटी में नहीं जाना है, राइट मारना है, राइट मारेंगे। ये पूरा मेन हाईवे है जो कालमबोली होते हुए पूना और आगे की तरफ बेंगलोर की तरफ निकलता है, वो तो बड़ा हाईवे है। आप देखेंगे यहाँ पे ब्रिज का काम भी स्टार्ट है, वो लैंडमार्क के हिसाब से बाबा आइसक्रीम है लेफ्ट में। ये सीधा रोड है, थोड़ा सी बस राइट मारने के बाद थोड़ा सी आगे जाना है, क्योंकि हम लोग गाड़ी में थे बाइक पे तो आहिस्ता आहिस्ते थोड़ा स्लो ले रहे थे व्यू के हिसाब से। अब इसके बाद आगे जाके हमें सीधा नहीं जाना है, लेफ्ट लेना है। लेफ्ट लेंगे तो जगह को खड्डी गांव बोलते हैं, खड्डी गांव रोड बोलेंगे, दीवा रोड बोलेंगे। तो मैं आपको आसानी के लिए, ये हुदा कंस्ट्रक्शन भी देखें आप, ये भी एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है हमारा, तो ये हुदा कंस्ट्रक्शन है। बस इसके बाद ही जस्ट ये सामने जो बिल्डिंग आपको दिख रही है यहाँ से हमें लेफ़्ट लेना है, तो बस लेफ़्ट आएगा अभी यहाँ से। और ये फिर हमारी जो रोड है खड़ी गांव रोड, हमारे फार्म के लिए जो रोड है, ये हम वहाँ अंदर हो जाएंगे। बस ये सीधा रोड बस आपको हमारे फार्म तक ले आएगा, यहाँ से बहुत विद इन 2 मिनट का ही रास्ता होगा गाड़ी में, ये सीधा रास्ता है, आप चलते जाएँ। यहाँ पे भी लैंडमार्क आपको मैं बता दूँ, ये थोड़े थोड़े यहाँ पे शादी के बहुत हॉल है, जो सेलिब्रेशन जो बोलते हैं शादी होती है उनके हिसाब से हॉल बने हुए आप देखेंगे, तो एक एक हॉल भी मैं आपको दिखा दूँगा। ये आई थिंक ये आयशा हॉल है, आयशा हॉल है, आयशा सेरेमनी हॉल है। ये एक हो गया, पहला हॉल हो गया, ये सीधा रोड है, ये दूसरा हॉल है, मैंने नाम नहीं बता पाया आपको, ग्लोरियस पार्क, ये एक सोसाइटी आती है, ये भी एक अच्छा लैंडमार्क है। यानी ये वीडियो के ज़रिए आप सीधा, अगर ये वीडियो स्टार्ट कर ली और आप अपनी कार पे हो बाइक पे हो तो आप डायरेक्ट हमारे फार्म तक का इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। रास्ता यहाँ तक का तो काफ़ी अच्छा रास्ता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से आगे का रास्ता आप देखेंगे बन नहीं पाया। लॉकडाउन में ये रास्ते का काम स्टार्ट हुआ था, लेकिन लॉकडाउन पड़ने की वजह से सारा रोड का काम रुक गया। तो अब इंशाल्लाह कुर्बानी के बाद ये जब बारिश रुकती है और लॉकडाउन ख़त्म होता है तो अल्लाह ने चाहा तो ये काम भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सी आपको तकलीफ और जहमत होगी यहाँ रोड पे, थोड़ा बारिश होने पे थोड़ा सा पानी होता है, गड्ढे है यहाँ पे। न्यू स्टार इंग्लिश हाई स्कूल, एक इंग्लिश हाई स्कूल है यहाँ पे, छोटी सी स्कूल है, लेकिन ये भी एक अच्छा लैंडमार्क है। और ये स्टार गार्डन हॉल है, ये आमने सामने एक दूसरे के, तो ये एक एंड पॉइंट है। इसके बाद मन्नत हॉल आएगा, तो मन्नत हॉल हमारा मेन पॉइंट होता है, जो हम लोग हमेशा बताते हैं लोगों को। ये स्टार न्यू स्टार इंग्लिश हाई स्कूल है, देखेंगे। फिर उसके बाजू में फलक गार्डन हॉल है, और फिर सीधा जो एक वाइट गेट आपको अभी दिखेगा, ये मन्नत बंगला है, यहाँ के नासिर भाई जो है काउंसलर है उनके, काफ़ी यहाँ के नामचीन लोगों में से है, ये उनका बंगला है, बहुत ही फेमस बंगला है यहाँ का, मन्नत बंगला करके है नाम है। इसके बाद इनका ही एक हॉल है जो एंड है, मन्नत सेलिब्रेशन हॉल, ये बस्ट हमारा मेन पॉइंट यही है। इसके बाद जो आपको ये सामने लाल बिल्डिंग देखेगी, ये हमारा स्पॉट है। तो थोड़ा से आगे जाने के बाद एक लेफ्ट आता है,
आप वो भी देख ले, सीधा रास्ता हम करेंगे अभी लेफ्ट के लिए। यहाँ रोड थोड़ा सी ठीक है, अच्छा है, आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। ये एक ब्लू शेड दिख रहा है, ये दाने का है, प्योर मिक्स हमारे इरशाद भाई है, तो उनकी जगह अगर इरशाद भाई की तरह आना है तो उनके लिए भी बेहतर है आपके लिए। ये एक गेट है, टूटा सी गेट है, रास्ता है, यहाँ से थोड़ा सी कच्चा रास्ता है। अगर आप कार लाए हैं तो यहाँ आपको कार पार्क करनी पड़ेगी, ये ओपन स्पेस में आप देखेंगे मोस्टली ज़्यादातर लोग यहीं कार पार्क कर देते हैं अपनी। और फिर उसके बाद अगर आपके पास बाइक है तो ये कच्चे रास्ते से आपको थोड़ा सी मुश्किल होगी, लेकिन आसानी से आप ये लाल बिल्डिंग के पास पहुंच जाएंगे। तो थोड़ा सी बारिश होने की वजह से रास्ते थोड़े ख़राब हो जाते हैं। अब ये रास्ता है, आप देख लें, लाल बिल्डिंग हमारा मेन पॉइंट है, यानी जो ये लाल बिल्डिंग है यही हमारा स्पॉट है। उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे स्टार गोर्ज फार्म आसिफ एस्टडी, जो मेरा फार्म है, ये हमारा लोकेशन, आपको आसानी से आप यहाँ पे इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। तो ये एक छोटा सा वीडियो था हमारे लोकेशन के लिए, तो आप आए और